Hi, I am Asa Sheikh and you are watching P20 Mold. Make sure you subscribe for plastic injection molding, mold design, lecture and tips. तो आज हम नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम ऑपरेटिंग हैंडल है। एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है। बेसिकली यहाँ पर है ना, आप देख सकते हो ये जो है यहाँ पर एक नट फिट होगा, ओके, जो इंसर्ट मोल्डिंग होगा, ठीक है, जिसे हम इंसर्ट मोल्डिंग कहते हैं। यहाँ पर एक ऐसा नट आएगा, ओके, हेक्सागोनल नट। यहाँ पे हम यहाँ से कोर साइड से इंसर्ट आएगा, उसके ऊपर वो नट रख के फिर हम क्या करेंगे, इसको साथ में मोल्डिंग होगा, इसे हम इंसर्ट मोल्डिंग कहते हैं, ओके। तो हमें देखना है कि कोर का एरिया कौन सा होगा और कैविटी का रीजन कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पे चेक वॉल रीजन करके भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद इसका एनालिसिस कर लेंगे, हम ड्राफ्ट एनालिसिस कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ ड्राफ्ट की ज़रूरत थी मैंने वहाँ वहाँ ड्राफ्टिंग कर चुके हैं, जहाँ जहाँ पर पार्टिंग में प्रॉब्लम थी उसे मैंने ठीक कर लिया है। तो मैं आपको बता दूँ पहले ही पार्टिंग कि पार्टिंग कहाँ से और कैसे जाने वाली है। तो आपकी पार्टिंग कुछ ऐसे आएगी, ये ऐसे ऐसे आके फिर ऐसे जाएगी, ये क्या है आपकी पार्टिंग रहेगी। ये आपका टॉप व्यू है, ये एरिया आपका कोर कैविटी में आने वाला है और ये एरिया आपका कोर में आने वाला है, ठीक है। तो ये आपकी पार्टिंग ऐसे आके ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसका एनालिसिस करके देख लेंगे, ठीक है, मोल्ड विज़ार्ड में जाके चेक रीजन में जाकर आर्टिकल सेलेक्ट करना है। ड्रॉ डायरेक्शन कौन सा होगा, ये अपवर्ड, ओके, ड्रॉ डायरेक्शन ले लें। नाउ कैलकुलेट, अब हम रीजन में जाएंगे, कलर पैलेट ऑन करेंगे, तो हमारा देखो कलर आ गया। ये मैंने पार्टिंग ऑलरेडी सेट की हुई है इसकी, ओके, मैंने ड्राफ्टिंग किया है, दिख रहा है यहाँ से, ये इतना एरिया जो है वो कैविटी में आएगा और इतना एरिया जो है वो कोर में आएगा, आप देख सकते हैं पूरा मेरा प्रॉपर आ गया, खाली ये रीजन नहीं आया। तो ये रीजन जो है ये देख के समझ में आ रहा है कि किधर आने वाला ये कोर में, क्योंकि पार्टिंग जो है वो ऐसा वेव में नहीं लेंगे, हम स्ट्रेट ही लेंगे यहाँ से, इतना एरिया जो है वो ऐसा नहीं लेंगे वेव में, ये स्ट्रेट ही आने वाला है, ओके। यहाँ पे ब्लाइंड है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा शेप में आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम यहाँ पे स्ट्रेट इसको कंटिन्यू करते हुए पार्टिंग निकालेंगे। तो ये एरिया जो है वो किस में आएगा, हमारा कोर में आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोर रीजन सेलेक्ट करेंगे, ये रीजन सेलेक्ट करेंगे, ओके, और ये हमारा ओके ओके डन। कोई डाउट है आपको यहाँ पर, अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इसको अभी सेलेक्ट करना है तो ये फेस से इसको स्प्लिट कर दो। चलो मैं आपको करके बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। फॉर्म में जाएंगे हम, स्प्लिट बॉडी लेंगे, ओके, न्यू प्लेन में ये प्लेन ले लिया मैंने, अब यहाँ से इसको स्प्लिट कर दिया, ठीक है, अब दिख रहा है ये आपको स्ट्रेट स्प्लिट हो गया। अब मैं इसको वापस से जाऊँगा, लास्ट कमांड जो हम यूज करते हैं वो यहाँ पर आता है, F4 प्रेस करके भी हम यूज कर सकते हैं। चेक रीजन में जाएंगे, ओके, अभी चेक रीजन में जाकर हमें यहाँ पर एडिट रीजन ओनली करना है, ओके, कैलकुलेट करके रीजन में जाना है, हमें कोर में जाना है, फिर फेस सेलेक्ट करना है। एक्चुअली अभी जो है इसने सिर्फ ऊपर बॉडी लिया है, जो अपर बॉडी है उसने वो सेलेक्ट किया, तो हम बैक जाएंगे कैलकुलेट में और बॉडी इसको ना करते इसको सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसका एरिया लेना है ना, अभी दो बॉडी होगी, दो सेपरेट बॉडी है, मुझे एक ही बॉडी लेना है, ओके, तो इसका जो रीजन सेलेक्टेड है वो वही रहने देना है। हमें क्या करना है, खाली एडिट करना है, ओके, क्या करना है हमें, खाली एडिट, एडिट क्या करना था, सिर्फ ये फेस को कोर में शो करना था, ओके, तो मैं सिर्फ एडिट करूंगा और कैलकुलेट करूंगा, इससे क्या होगा, जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा, बस हमें एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसको कोर में लेना है, तो मैं ये फेस ओके कर दूंगा, ओके, ये कोर में आ गया, ओके डन, ये हो गया हमारा
अब मुझे क्या करना है, इसको वापस से यूनाइट करना है। यूनाइट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। यूनाइट करने के बाद वो वापस वैसे ले। तो हम क्या करेंगे, हम वहां से एडिट नहीं करेंगे, स्प्लिट को ऑन रहने देंगे। बेसिकली यूनाइट करने के बाद वो चेंज हो जा रहा है उसका स्ट्रक्चर। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करके इसको सेलेक्ट करके ले लेंगे। ओके, यहाँ फेस, ओके, कलर इज ब्लू। थिंक यूनाइट में प्रॉब्लम आ रहा है। यूनाइट करने के बाद ये पूरा रीजन वैसे ही ले रहे हो, तो हम जान देते उतना अंडरस्टैंडिंग है। अब हमारा ये हो गया, चेक बॉल रीजन हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, पहले तो ड्राफ्ट एनालिसिस करके देख लेंगे। ओके, सिंगल फेस की जगह बॉडी फेसेस करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी हमें रेंज देना है, यहाँ पर हमें लिमिट एंगल देना है कि हमें कितना डिग्री ड्राफ्ट तक का देखना है। अगर मैं एक करूँ तो मुझे एक डिग्री तक का ड्राफ्ट दिखा देगा। ओके, अब यहाँ पे दिख रहा है जो ग्रीन कलर है, जो ग्रीन कलर है वो मोर देन वन डिग्री ड्राफ्ट है। जो ग्रीन का एरिया है वो मोर देन वन डिग्री ड्राफ्ट है, और जो रेड रीजन है वो भी मोर देन वन डिग्री ड्राफ्ट है। बट जो ब्लू है और येलो है, ब्लू ब्लू किधर के लिए, कोर साइड के लिए, ओके, वो पॉजिटिव ड्राफ्ट के लिए। और जो येलो है वो किधर है, नेगेटिव ड्राफ्ट, मतलब कैविटी साइड के लिए। तो वहां पे क्या है, मतलब एक डिग्री से ड्राफ्ट कम है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू को 0.05 करके दिखाऊंगा कि 0.5 का ड्राफ्ट है या नहीं। तो देखो ये रेड हो गया, ओके, ये एरिया रेड हो गया, मतलब यहाँ पे 0.5 का ड्राफ्ट है। लेकिन रेड है मतलब किस साइड है, वो कोर साइड है, ओके, बट ये स्टिल ब्लू है। स्टिल ब्लू मतलब क्या है, यहाँ पर, यहाँ पे कोई भी ड्राफ्ट नहीं है, और यहाँ पे हम ड्राफ्ट डालेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा मेटलिक नट आने वाला है, तो यहाँ पर ड्राफ्ट नहीं आएगा। वो मेटल का नट आके बैठेगा यहाँ पे से, पिन आएगी उसके ऊपर, ये मेटल का नट आके रेस्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर कोई भी ड्राफ्ट नहीं चाहिए हमें, बाकी कहीं भी ड्राफ्ट मिसिंग नहीं है। हम देख लेते हैं, हाँ मिसिंग है, दिख रहा है ये साइड फेस पे, दिख रहा है यहाँ पर कोई भी ड्राफ्ट नहीं। मिनिमम 0.1 का ड्राफ्ट डाल के मैं चेक कर लेता हूँ, 0.1 का डाल के देख लिया, आ रही है ड्राफ्ट यहाँ पर, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे हमें ड्राफ्टिंग करके लेना होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक का समझ में आ रहा रहेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो मैं ये कैंसिल कर देता हूँ। तो मुझे खाली ये फेस पे ड्राफ्टिंग करना है, तो मैं ड्राफ्ट में जाकर एज सेलेक्ट करके मैं इसे ड्राफ्ट करता हूँ। आप ये मत सोचिए इसका थिकनेस ही कितना है, ये तो रिलीज हो जाएगा इजीली, कभी भी नहीं। अगर 0.2 का भी वॉल है वहां पर तो आप उसे ड्राफ्टिंग कीजिए, नहीं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यहाँ पे 2 डिग्री का ड्राफ्ट देखो हमने डाल दिया, रहा है। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओरिएंट करेंगे, ओरिएंटेशन में लेके आएंगे। जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट है वो हमारा 2 कैविटी है, तो हम इसे 2 कैविटी बनाएंगे। आपको भी नॉलेज में इंक्रीमेंट होता जाएगा, क्योंकि सब सेम मोल्ड बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं हर मोल्ड अलग टाइप का ले रहा हूँ। अलग टाइप की पार्टिंग, अलग टाइप की कोलिंग, अलग टाइप का इंजेक्शन, ओके, ताकि आपको
बेटर अंडरस्टैंड होते जाए। जितने अलग मोड्स देखेंगे आप, उतना आपका नॉलेज गेन होगा। ये कुछ वीडियो के बाद मैं एडवांस मोड डिजाइन की तरफ जाऊंगा, जहां पर मैं टाटा, हैवेल्स, क्रॉम्पटन के प्रोजेक्ट्स भी लूंगा। तो देखते रहिए वीडियोस को और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए।